बस अभी हम हैं, परेशान ना हो, मैं आपको पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, मैं परेशान ना हूँ। साहब आज बड़े पुरुमीद हैं और कह रहे थे कि इसी हफ्ते वाइंड अप हो जाएगा, फैसला आ सकता है, आप कितनी पुरुमीद हैं? मैं आपको ये बताऊं, जिस केस जो इन्होंने फाइल किया है, कितने महीनों से तो जेल में बैठे हैं। और याद रखें, ये भूलना ना कि राणा सनाउल्ला ने इमरान खान और शाह महमूद पे क्या चार्जेस लगाए, गद्दारी के। और गद्दारी क्या की है, अब गद्दारी भी वहाँ से सुन लें। गद्दारी ये है कि इमरान खान ने ये बता दिया था कि डोनाल्ड यू ने बाजवा साहब को भेजा था पैगाम कि तुम हुकूमत करा दो। ये गद्दारी की थी उन्होंने कि उन्होंने अपने लोगों को बता दिया था कि उनके साथ गद्दारी हो रही है। अब जो इमरान खान जेल में इसलिए हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि आपने डोनाल्ड यू और बाजवा के साथ गद्दारी की है, कि उनका जो आपस का पैगाम था वो आपने लोगों तक नहीं बताना चाहिए था। लेकिन अब जो यह हमारे जजेस हैं, उन्होंने बड़ा गौर से सुना भी और उन्होंने काफ़ी सवाल भी किए और वो खुद भी हैरान हो रहे थे कि पहले ये तो बता दो कि उसके अंदर जो कागज़ है उसके अंदर है क्या। इसके ऊपर समाअत आज ख़त्म हुई है और ये समाअत मुलतवी नहीं हुई है, ये समाअत कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कारकुनान भी मौजूद हैं, ये पीटीआई के टाइगर्स भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर ये अलामती ये प्रोटेस्ट होगा या फिर आगे भी जाएंगे पार्लियामेंट के बाद? अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए, देखिए ये पीटीआई का केस है, ये एक हुकूमत जब थी, जब पार्लियामेंट थी, तब ये केस बना था जिसके ऊपर आपका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को जेल में डाल दिया गया है। पहले हुकूमत गिराई गई, जो जिसको हम कहते हैं एक पैगाम आया, बाजवा साहब ने हुकूमत कराई, उसके बाद इन दोनों को ही राणा सनाउल्ला ने जेल में डाल दिया। अब जब ये लोग, जब MNAs और MPAs और सारे पार्लियामेंटेरियंस जब कोर्ट में आके केस की डिटेल्स और तफसील सुनेंगे तो इनको भी बेहतर समझ आएगी कि अपनी पार्लियामेंट में जाके इन्होंने किस तरह इसको प्रेजेंट करना। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि पार्लियामेंटेरियंस आके कोर्ट में सुने कि प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं। इमरान खान को आप इससे पहले मैडम बाहर देख रही हैं कि वो आ सकेंगे? नहीं, ये अब जजेस के ऊपर है, हाई कोर्ट। आप उम्मीद करती हैं इन जजेस से तो ना दे भाई, कवर तो पूरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जजेस, कवर तो कर रहे हैं। जो इतनी अहमकाना केस है और इतनी शर्मिंदगी वाला केस है जजेस सबके लिए, समझा देना, इतनी शर्म आ रही है हम सबको कि किसी को बताया कवर ना कर ये गद्दारी उन्होंने ये किया कि आप किधर देख रहे हो, क्यों लोगों को बता दिया, यही है ना गद्दारी। अब ये इसको ख़त्म करना ही होगा केस को, ये ज़्यादा देर इसके ऊपर चला नहीं सकते, तो हमारे सारे मुल्क की बड़ी शर्मिंदगी है। इमरान खान साहब की जो आंख की खराब थी, थोड़ी देर में तो मैं तब कह दिया था, आप लोग गौर से नहीं सुनते, आप लोग गौर से नहीं सुनते, नहीं हमें ज्यादा जो है ना वो होता है कि उनकी आंखें ठीक हो रही थी। अच्छा, हमने कहा था वो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बता दिया करो अगर कोई मसला हो ताकि हमारे डॉक्टर आए, बस यही है। बाकी सेहत उनकी ठीक है, रोजे कैसे गुजर रहे हैं? रोजे सही जा रहे हैं उनके? हाँ, रोजे सही जा रहे हैं, सेहत क्या पता चलेगा जब दिया जाएगा। उन्होंने दो हफ्ते के लिए ये जो जब से मरियम नवाज ये जो खातून चोरी 16 सीटों के मैंडेट के ऊपर आके पंजाब की महारानी बन गई हैं, इन्होंने जेल बंद करवा दिया है ताकि हम लोग जाके फैमिलीज उनके साथ मिल ना सकें। आज शाह महमूद की फैमिली भी गई है, आज उनका मुलाकात का दिन था, उन्होंने कहा बैंड है, शाह महमूद की फैमिली से नहीं मिल सके, वो सॉलिटरी में। लेकिन ये सुन लें, मरियम नवाज वो अलग पर जेल पहुंच गई, वो किसको मिलने गई थी भला, उन्होंने कहा सारे जेल बंद हो गए, क्या मुकाबला कर रही है? ये जो खातून है ना, मतलब ये जो खातून है ये भूल जाए कि ये तमाशा करेगी और हम यहाँ बैठ के देखते रहेंगे चोरी के मैंडेट लेकर जो बैठे। मरियम नवाज सियासी इंतकाम ले रही है, वो बेचारी इस काबिल भी नहीं है, छोड़ रहे उसकी टाइम ना जाया। Thank you.
कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।